मुखिया गुजर हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, भी कोई इस वक्त कोई भी अस्तित्व नहीं है यहाँ, 10-12 हज़ार से ज्यादा वोट नहीं ले पाएगा। ये मेरा जो है ये मैं दावा खबर रहती, मेरा टिकट अंगद के पैर की तरह था, उसे कोई हिला नहीं सकता, 250 सीटें लेकर। और नौगावा विधानसभा से दोनों से के देखिए, इंशाल्लाह आने वाली 14 फरवरी को जो है हमारा मुकाबला सीधा सीधा जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी से है, चाहे वो हसनपुर विधानसभा में हो चाहे वो नौगावा विधानसभा में हो। और रही बात हसनपुर विधानसभा में जो बाहरी और घरेलू प्रत्याशी की बात चल रही है, फिरे सिंह गुर्जर जी जो हैं वो फिर भी यहाँ के, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, 5 महीने से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ सारी चीज़ें करने के बाद में इन्होंने अपना पूरा का पूरा यहाँ आज माहौल भी बना हुआ है। और जो मुखिया गुर्जर हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं, और आपने उनके बाकायदा मुसलमानों, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू मुस्लिम कोई चुनाव में करने का, लेकिन उनका आपने बयान भी देखा उनके सोशल मीडिया पर, जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जो उनकी जिस तरह की उनकी फ़ोटो चल रही है वो भी सब लोग ध्यान में रखें। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये जो आने वाला चुनाव है ये आपके बच्चों की मुस्तकबिल का चुनाव है, आपके मुस्तकबिल का बहुत सोच समझ के फैसला करना है। और आपको ये भी फैसला देखना है, दिमाग में अपने रखना है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से मुसलमानों को इग्नोर किया है, टिकटों के आधार पर हो चाहे वो इस मंच पर देखा हो आपने। आज बहन जी ने हमारे 53 पे से 23 टिकट जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को दिए हैं, सभी समाज का भाईचारा बनाया है, चाहे उसमें हिंदू समाज हो मुस्लिम समाज हो पिछड़ा हो अगड़ा हो हर किसी समाज को लेकर चली हैं। अगर भाईचारा बनाएंगे तो ही हम बीजेपी की सरकार को हटा पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि अपने कैंडिडेट को खाली वोट देंगे तो कहीं भी वोट सीट नहीं निकल पाएगी। जैसे हसनपुर विधानसभा में है दोनों तीनों भाईचारा बना के हम आराम से सीट निकल जाएगी हमारी, इसी तरह से नौगावा में, अमरोहा में, धनोरा में, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि पहले जो हमारे मीडिया दिखा रही थी हमारी पार्टी का, आज सब मीडिया दिखा रही है कि बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हमारी ही सरकार आ रही है, बसपा की सरकार आ रही है। और मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ पूरे शहर की आवाम से कि फिरे सिंह जी को अपनी हसनपुर विधानसभा से ज़्यादा वोटों से भारी तादाद से ये ना सोचें कि देखिए वोट डालने वाले दिन सिर्फ एक आपको देखिए पूरा समाज हर समाज के लोग इन्हें वोट देने को तैयार हैं। और जो पूर्व विधायक है उसके बारे में भी आपको पता है कि किस तरह का उनका इतना विरोध है, और जो ये समाजवादी का भी कोई इस वक्त कोई भी अस्तित्व नहीं है यहाँ, 10-12 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगा। ये मेरा जो है ये मैं दावा कर रहा हूँ, चाहे आप देख लेना इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देख लेना, आपके 10-12 हज़ार वोटों से ऊपर नहीं बढ़ेगा वो मुखिया गुर्जर जो है। तो आप लोगों से यही अपील करता हूँ और यही गुजारिश करता हूँ कि आप जो हैं 42 विधान हसनपुर से फिरे सिंह गुर्जर जी को, और मैं नौगावा विधानसभा से 40 से खड़ा हूँ, जहाँ तक भी मेरी ये देखें लोग सपोर्ट करें, और बहुजन समाज पार्टी का पूरा ज़िले में हमारा जो है मजबूती करें, और इंशाल्लाह हम जो है सरकार आए बहन जी की बनेगी। और हमारे जिलाध्यक्ष, जिले के जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह जी खड़े हैं, कोऑर्डिनेटर हमारे देवेंद्र सिंह गुड्डू जी, अजब सिंह एडवोकेट, और हमारे बदन सिंह जी, और तमाम जितने पार्टी के अधिकारी हैं, इंद्रपाल गोले, इंद्रपाल गुर्जर, और इन सब लोग, इन ये गुर्जर वो गोले सॉरी, और ये वकील साहब का, और तमाम सबका देखिए ऐसा है इस वक्त थोड़ा सा मैं थका हुआ भी हूँ, अगर कुछ कहने में थोड़ी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। बाकी आप सब लोगों से गुजारिश है, यहाँ जितने लोग आज यहाँ आए हैं कल से चुनाव बहुत नामिनेशन के बाद में पूरी ताकत से चुनाव में लग जाएंगे सब लोग, और सभी लोगों से मेरी शहर की और जनता मतलब क्षेत्र की लोगों से मेरी गुजारिश है फिर दोबारा से कि फिर सिंह गुर्जर के ज़्यादा से ज़्यादा फोटो सर TV7 न्यूज़ में आप, धन्यवाद सर। जैसे टिकट के लिए लगाई जा रही है जी, आपके टिकट को लेकर इसके बारे में जनता के साथ, मेरे टिकट में पहले भी कोई अटकलें नहीं थी, मेरा टिकट अंगद सोशल मीडिया पर वो झूठी खबर रहती, मेरा टिकट अंगद के पैर की तरह था, उसे कोई हिला नहीं सकता। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी से मेरी आज 8-9 मिनट बात हुई है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लेके मैं सीधा अपने कैंप कार्यालय आया हूँ, और बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनने जा रही है, बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों से मेरी खासकर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज को बहुत सम्मान देना चाहती है। वो एक तरफा आपने देखा होगा जिस तरह 2019 के चुनाव में मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें साफ हो गई थी, उसी तरह अमरोहा की 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही हैं। जाटव समाज मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा आपस में संबंध अच्छा बैठ रहा है, और बहुजन समाज पार्टी इस बार चारों के चारों अमरोहा से जो सर कितनी सीट लेकर आएगी BSP?
250 सीटें लेकर आ रही है। बीजेपी वाले भी योगी जी तो कह रहे हैं 300+। वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, जनता को क्या विश्वास कर रहे हैं? जनता हमें स्वास्थ्य और रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर वोट करेगी। किन मुद्दे क्या क्या हैं? स्वास्थ्य शिक्षा और बेरोजगारी। स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी जी। कुशल शासन जो बहन जी का 4 बार हाँ। कार्यकाल रहा है। देखिए आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी। अभी हम जैसे लगाई जा रही थी कि प्रिय सिंह गुज्जर जी का टिकट न होकर किसी और को हो रहा है, अभी हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर। ये प्रिय सिंह गुज्जर जी थे बसपा प्रत्याशी हसनपुर विधानसभा से। हम आगे भी इस तरह से आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी।